दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या रूप लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जॉनी मेरा नाम, सीता और गीता, शोले, प्रतिज्ञा, क्रांति, नसीब, अंधा कानून जैसी इंडिया की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स देने वाली बॉक्स ऑफिस क्वीन, अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ क्लासिकल डांसर, कामयाब पॉलिटिशियन और इतनी जबरदस्त माँ कि इन्हें भगवान भी हे माँ बुलाते हैं। अ ड्रीम गर्ल फॉर ऑल जनरेशंस, हे माँ मालिनी जी। साथ में युवा, नो एंट्री, धूम जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस जिन्होंने अभी अभी ओटीटी पर डेब्यू किया है। अगर मम्मी ओरिजिनल ड्रीम गर्ल है तो बेटी भी दी ओरिजिनल धूम गर्ल है। लेट्स ऑल धूम मचा ले विद द इलेक्ट्रिफाइंग शब्दे। मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं जब उन्हें पता चला कि हेमा जी और ऐशा आज के एपिसोड में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम? मैं भी बहुत ही खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में आकर। इतने छोटे छोटे बच्चे जो कमाल के गाते हैं, मैं कई एपिसोड देखा है, बहुत ही पसंद आया मुझे। उन सबको देखने का अब मौका मिल रहा है मुझे, तो आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड एज यू आर ऑल। तब तक मैंने सबको खाली टीवी पे देखा है गाते हुए सभी बच्चों को, और आज मैं उन्हें लाइव देखने वाली हूँ। वंडरफुल। टीवी इतिहास में पहली दफ़ा हेमा जी और ऐशा एक साथ आ रहे हैं, तो ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही बड़ा एपिसोड होने वाला है। एंड वी आर सो एक्साइटेड। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आज की पहली कंटेस्टेंट महाजन समायरा और साथ आ रही है अरुणीता कांजी लाल। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया,
करता है कि मैं तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जिनसे म्यूजिक इंडस्ट्री को मिला है वो खास सबसे खास अरुणा दास, और इनके साथ वो जिनकी गायकी में है अदायगी और नखरे शामिल, साइली कांबले पाटिल।
मैं कैसी बैठी हूँ इधर पता नहीं, इतना मन कर रहा था जाके नाचूं उधर। आज मैं ये चाहती हूँ कि why can't the dream girl be the doom girl for a change? Oh my God, ऐसा ये क्या idea दिया? Come on, ये कभी नहीं हुआ। History अच्छा वाला है, history को जाएगा। इश्क है सबसे प्यारा, इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जीले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के time for Doom Girl to become Dream Girl. अरे क्या आपने हमें बताया? हेमा जी, wow. हेमा जी, कौन से गाने पे आप ऐशा को डांस करते देखना चाहती हैं? सत्ते पे सत्ता का झुका के सर को पूछो, ठीक है? झुका के सर को पूछो, मैडम, how do you do? How do you do? झुका के सर को मैडम, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू, बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। Thank you so much, Hema ji and Esha, for this wonderful moment. Prithviraj, आज जब तुम्हारा prank नहीं चला, तो तुम्हें मिर्ची लगी के नहीं? नहीं। लगी होगी, क्योंकि तुम्हारा prank नहीं चला, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक हमारा और ईशा का बहुत सुपर हिट गाना है, मोहब्बत है मिर्ची स्पेशली गाऊंगा। हो जाए। जान हथेली पे रख लो। आंखों से मोती छक लो, तीखी तीखी तेज तेज ये सूली पर है सेज सेज, ईमान बना कर तुम रख लो। मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची सनम, उलझी उलझी तिरछी तिरछी मोहब्बत की गलियां सनम। Thank you,
ऐशा, थैंक यू एचआर, मजा आ गया। वेरी नाइस। ऋतुराज, अरे मैं भूल गया भाई, गाना ना गाया कि नहीं आपने? मैं भी भूल गया यार। आज भी गाता हूं। रेडी हो? ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। स्पेशली ये कहना चाहता हूँ ऋतुराज के, तुमने इतना कमाल गाया कि तुम जितना भी मेरे साथ प्रैंक करोगे मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ और आज हेमा जी का वो गाना तुम्हारे लिए स्पेशली गाता हूँ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही, ऋतुराज ने दुनिया हिला दी है।
इंतजार था, यही तो चाहिए था शो पे। सभी लोगों को शेफ प्रत्युष की तरफ से नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आज मैं आपको अपनी अच्छी अच्छी डिशेस से रूबरू कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये है मसाल डोसा फलूदा। मसाला डोसे का फलूदा? जी मैम, मैम मैंने सुना है कि मसाला डोसा में तो नमक वमक होगा ना। मैम आप साउथ इंडियन है ना, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए खास बनाया। So sweet. और ये भिंडी कैंडी है। बेटा तो जैसे कि पिछले एपिसोड में रामदेव जी आए थे, तो उनको मैंने कैंडीज खिलाई थी, मतलब ये हैं खास खास जली कैंडीज। तो वो मेरी बहुत फेमस हुई थी, तो इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। वो ठीक है ना रामदेव जी, अभी ठीक है ना? आजो 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 चख लो। स्मूदी ना, माय गॉड, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख के मुझे मुझे कुछ याद आ रही है आपको, जो ईशा ने जो नॉटी कुछ मिसचिफ किया था मेरे गेस्ट के साथ। 10-11 साल की थी, छोटी सी थी जी, तो उसको बहुत शौक था, कोई भी गेस्ट मुझे मिलने के लिए आएंगे तो भाग के जाएगी किचन में, मैं कुछ बना रही हूँ, आई वॉन्ट गिव समथिंग वेरी स्पेशल इसके जैसे। तो मैंने सोचा ठीक है, बेचारी बच्ची है, उसको आई शुड अलाउ हर टू यू नो गो इन टू द किचन एंड कुछ बनाए। ये लेकर आई दो ग्लास में मेरे लिए और मेरे वो जो गेस्ट हैं उनके लिए। जी क्या क्या लाएं? आपका ग्लास नॉर्मल था। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना। बत्ती तो बुझा दो यार। बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी।
शोर ना मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आदित्य, मुझे लग रहा है कि इस एपिक हिस्टोरिक सुपर फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग इनक्रेडिबल अल्टीमेट परफॉर्मेंस के बाद जी सर, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन दोनों बच्चों के लिए सुपरस्टार नमस्ते होना चाहिए। थैंक यू सर, आर यू रेडी? वन टू थ्री जय हो, जय हो, क्या बात है, मजा आ गया। आदि भैया दानू, इन्होंने आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबकी खटिया खड़ी कर दी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सच में खड़ी करने की जरूरत नहीं थी सलमान, हम समझ गए कि दानिश क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। ईशा, हेमा जी, कैसा लगा आपको? अरे फैंटास्टिक, मुझे तो लग रहा था कि आज अगर आरडी बर्मन साहब होते तो कितने खुश होते। क्या बात है, इस गाने का कितना खूबसूरत ढंग से उन्होंने लिखा है, पूरा स्टोरी के साथ मिक्स करके। आज इन दोनों का देख के ऐसा लगता है कि पुराना जिन लोगों ने भी गाया ऐसे ही लग रहा था सेम। थैंक यू मैम। टीवी में हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं दोनों, और अलग अलग गेटअप्स में रहते हैं, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि इतने सिंपल कपड़े में क्या करेंगे, मगर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं
तो सत्ते पे सत्ता फिल्म का और उनके सारे गाने के बहुत बड़ी फैन हूँ, और आज लग रहा था कि मैं फिर से फिल्म देख रही हूँ। ये मुझे लगा कि ये फिनाले वाला परफॉर्मेंस था, जोरदार दोनों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात के साथ में एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दुनिया हिला दिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय। अच्छा हेमा जी, हाँ जी, सत्ते पे सत्ता एक बहुत ही यादगार फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हम बहुत उत्सुक हैं जाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे उसमें, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसमें सात भाइयों के साथ बीच में मैं एक अकेली भाभी, जो लड़का भी मुझे बता रहा था ना भाभी जाग जाएगी, तो मुझे पूरी वो याद भी आई थी। और पूरा पिक्चर में मैं ऐसे इन लोगों के साथ जाहिल एकदम यू नो अनकूत ब्रदर्स उनके बीच में, अब मैं कैसे इनको ठीक कराऊंगी। उस वक्त मेरे प्रेग्नेंट होने का मेरा इनका पैदा होने से पहले वो पिक्चर शुरू कर दिया था, तो आई वॉज हाफ वे आई वॉज प्रेगनेंट इन दैट फिल्म। एंड आउटडोर में भी इसका शूटिंग हुआ था, तो ये सारा गाने जो थे आउटडोर में था, तो इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल फिल्म फॉर मी। पर हेमा जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आप उस फिल्म में, हाँ, उस जमाने में जितनी खूबसूरत थी, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। मैं ऐसे सोच रही थी अभी बोलने वाले हैं, उतनी खूबसूरत थी लेकिन आज नहीं है। हेमा जी के लिए ताली। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। एक दिन ठान कर इस 11 साल के बच्चे ने भी कह ही डाला, मेरे हाथ की लकीरों तुम खुद कैद हो मेरी मुट्ठी में, तुम क्या मेरी तकदीर खोलोगी, अब तो जिस दिन मैं तुम्हें अपनी कहानी दोहराने दूंगा तुम बस उसी दिन कुछ बोलोगी। और तभी 10 हफ्तों बाद किस्मत वर्सेस मनी मैच में स्कोर है मनी 10 किस्मत 0, और तभी पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, माता पिता का राजा बेटा मनी। और उनके साथ आ रहे हैं किसी एक कैप्टन के साजन, पवनदीप राजन। हाय मनी। हेलो सर। आज बड़े क्यूट लग रहे हो यार आप। वैसे तो आप हमेशा ही क्यूट लगते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है? इस बारिश के मौसम में मनी को मिला हेमा जी की तरफ से एक अनोखा तोहफा। थैंक यू। वेलकम। मैंने मनी का पहला एपिसोड देखा था जब वो मुंबई को देखकर बहुत खुश हो रहा था। ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है, वो गांव या मुंबई? सर मुंबई बहुत अच्छा है ये शहर। किसी फिल्म स्टार से मिले हो अभी तक? किसी से ही मिला हूँ मैं। मैं अब चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए और हमसे मिले। विद लव हेमा मालिनी। मनी आप गए थे, आपने सब देखा, हम भी देखना चाहते हैं यार, दिखाएंगे क्या? जरूर। तो चलिए एक नजर डालते हैं। बड़ा घर, मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा घर है। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। अरे मनी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। नमस्ते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। बैठा। खाने में क्या पसंद है? हमारे उधर पंजाब की खीर, मम्मा के हाथ की बनी। पंजाब की खीर ना।
साउथ का खीर बनाया आपके लिए, उसके पायसम बोलते हैं। अच्छा है? कम। बहुत अच्छा है? थैंक यू। खीर बहुत अच्छा है, ऐसा खीर मैंने पहली बार खाया। हाउ स्वीट। मैं आपके लिए एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे कि हमारे सगे हो वो लोग। राधा जी का ये। हमारे गांव में कोई भी हमें बुलाता तक भी नहीं है। हम गली से भी जा रहे तो भी नहीं बुलाता, और हमें हेमा जी ने अपने घर पे बुलाया। एक बच्चे की मेहनत की वजह से ये सब कुछ मुझे देखने को मिला है। All the best. Thank you, चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, मोहम्मद फैज।
हेमा मैम आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज. थैंक यू जी. और ईशा मैम आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं. मैम मैंने कल आपका गाना गाया था ड्रीम गर्ल. अच्छा. पर वो मैंने आधा गाया था जी, क्योंकि मैम मैं आधा आपके सामने गाना चाहता था. ओके. क्योंकि मेरी जिंदगी में हमेशा से एक विश थी कि मैं ये गाना आप दोनों के सामने गाऊं. प्लीज सिंग. प्लीज गाओ. कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल. ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल. ड्रीम गर्ल. कमाल का है. सोच ही नहीं सकते हैं कि यू आर जस्ट ओनली 14 ईयर ओल्ड. 14 साल के हो और आवाज़ इतनी अच्छी है.
like a hero. Hero ke liye easily he can start singing. और सब लोग ड्रीम गर्ल कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ड्रीम बॉय तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ड्रीम वॉइस है तुम्हारा. थैंक यू सो मच. हैव अ ड्रीम वॉइस. ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल. ड्रीम गर्ल. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट. ये हिमा मैम के लिए बसंती बेबी. बेबी की तरह है ये, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए बसंती बेबी. क्या बात है. और ये ईशा जी के लिए. इसमें क्या लिखा है? धूम गर्ल. इसका नाम धूम गर्ल इसलिए है क्योंकि आपका एक गाना है ना धूम, और उसमें आपने बहुत धूम मचाया था. हाँ. इसलिए आपका नाम धूम. थैंक यू सो मच. सो क्यूट. आई थिंक वी शुड टेक अ पिक्चर टुगेदर. हां. साइशा, हेमा जी ने भी मुझसे वही सवाल पूछा. तुम यकीनन 17 साल की हो. 17, am I right? तो फिर तुम 7 साल में इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती हो? इतने तुम्हारे पक्के सुर कैसे लगते हैं? You're a true performer, जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देने वाला हूँ. मैं
मैं तो उस टाइम में वहाँ पे चली गई, नसीब के शूटिंग हो रही है, मैं लता जी के गाने पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ। ये बच्ची ने इतना अच्छा गाया, इट इज सो डिफिकल्ट। आई मीन जैसा आपने कहा, शी इज ओनली सेवन ईयर ओल्ड। मैंने भी सोचा 17 साल का होना चाहिए, बट है छोटी सी बेबी। मेरे भी घर में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ऐशा की बेटी राधिया, वो मेरे पास आकर बैठ के, कभी मैं म्यूज़िक सीखती हूँ तो आके बैठ के सीखने की कोशिश करती है। वो भी बहुत अच्छी आवाज़ है, मैंने कहा कि उसको भी सिखाना चाहिए। मैम, मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी शाइशा जो है आपका वीडियो बार बार देख रही थी इस गाने का। अच्छा। हाँ मैम, मैंने इस मेरे नसीब में तू है कहने की वीडियो देखी थी। हाँ जी। उसमें आपने बहुत अच्छा डांस किया था और आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। हाँ जी। तो मुझे भी डांस करने का शौक है, इसलिए क्या आप मुझे इस गाने पे थोड़े डांस स्टेप सिखाओगे? अरे वाह, हे मां जी, हे मां जी, हे मां जी, हे मां जी। हेमा मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप आइडल 12 में आए थे, जिसमें हमारे पवन भैया भी थे, अरुणिता, दानिश और साइली, इन लोगों ने आपके सामने परफॉर्म किया था। तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा से मेरी एक दिल की तमन्ना थी कि मैं आपके सामने परफॉर्म करूँ, और वो आज मुझे एक मौका मिला है। तो मैम, मैं आपके सामने आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। सलमान प्लीज सिंग। हेमा मैम, सॉरी बोलिए, लेकिन मैम ये तो नाइंसाफ़ी है। क्या नाम सर? हमने अगर एक बार मैम के साथ परफॉर्म कर लिया। हाँ तो कर लिया तो ना? हम दोबारा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बैठ जाओ, अभी नहीं करना। मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। अरे पवनो भाई, किस्मत थी। ऑल थ्री विल्सन हो जाए। बिल्कुल। मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, फिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। चल जाएगा प्यार हो जाएगा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। पिघल जाओगे
एक मिनट दिल बरा अपुन की तू अपुन तेरा दिल बरा अपुन की तू अपुन तेरा तुझसे दिल लगाओ मैं भी फैमिली बनाओ यही तो हम इरादा है मेरा दिल बरा अपुन की तू अपुन तेरा दिल बरा अपुन की तू अपुन तेरा जोरदार तालियां फॉर द ब्यूटीफुल एशा। तो जजेस कौन है इस हफ्ते की टीम ऑफ द वीक? साइली के सोल्जर्स। कांग्रेचुलेशन साइली के सोल्जर्स। जजेस कौन है इस हफ्ते के टॉप फाइव परफॉर्मर्स जिन्हें मिलेंगे सुपर मेडल्स? इस हफ्ते के टॉप फाइव परफॉर्मर्स हैं समारा। दूसरा नाम है मनी। तीसरा नाम है साइशा। चौथा नाम है रोहन। पांचवा नाम है प्रद्युम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।